भारत जोड़ो यात्रा की यूपी में हुई एंट्री, तो बीजेपी में मची हलचल। राकेश टिकैत का भी मिला साथ, जाटलैंड में साधे की सियासत। यूपी के 3 जिलों से होकर गुजरेगी यात्रा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को दिल्ली के रास्ते गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी पद यात्रा करती हुई नजर आएंगी, तो किसान राकेश टिकैत भी शिरकत करेंगे। राहुल गांधी 3 दिनों में यूपी के जाटलैंड से कांग्रेस के समीकरण साधते हुए नजर आएंगे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए निकली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को उत्तर प्रदेश में एंट्री करेगी। इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी उनके साथ 3 दिनों तक यात्रा में शामिल होंगी। राहुल को यूपी में किसान नेता राकेश टिकैत का भी साथ मिला है, लेकिन विपक्षी दल के नेताओं का सिर्फ आशीर्वाद ही मिला है। उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा 130 किलोमीटर का सफर तय करेगी और पश्चिमी यूपी के 3 जिलों से होकर गुजरेगी। जाटलैंड में सालों से सुस्त पड़ी कांग्रेस में राहुल गांधी जान फूंकते नजर आएंगे। अपने 3 दिनों की यात्रा में यूपी के 3 लोकसभा सीटें और 11 विधानसभा क्षेत्रों की साधने की कवायद होगी। पदयात्रा गाजियाबाद, बागपत और शामली जिले की 11 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। भारत जोड़ो यात्रा पश्चिमी यूपी के 3 जिलों से गुजरेगी, लेकिन पार्टी ने प्रदेश भर से लोगों को बुलाया गया है। कांग्रेस ने पार्टी के नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के अलावा प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं और छोटे दलों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है। कांग्रेस की कोशिश है कि यात्रा के जरिए सूबे में अपनी ताकत दिखाने के साथ ही विपक्षी एकता का अवसर भी इसे बनाया जाए, लेकिन विपक्षी दलों का साथ सिर्फ आशीर्वाद के साथ ही मिला है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी को भी बधाई दी है। उन्होंने एक पत्र भेजकर भी कहा है कि उम्मीद है कि यात्रा अपने लक्ष्य को हासिल करेगी। बसपा प्रमुख मायावती ने लिखा है कि यात्रा में शामिल होने के लिए मिली चिट्ठी के लिए राहुल का धन्यवाद। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भी अपनी व्यस्तता का हवाला देकर भारत जोड़ो यात्रा से किनारा कर लिया। सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने भी यात्रा में शामिल होने के लिए किसी तरह का कोई बहाना नहीं बनाया। भारत जोड़ो यात्रा में सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग और किसान संगठन को भी न्योता भेजा गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और यूपी प्रभारी प्रदीप नरवाल ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा को समाज के सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। ऐसे में किसान नेता राकेश टिकैत भी यात्रा का स्वागत करेंगे। किसान यूनियन ने कार्यकर्ता यात्रा का समर्थन किया है। राकेश टिकैत के साथ आने से कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी पदयात्रा करते हुए नजर आएंगी। प्रियंका गांधी यूपी के प्रभारी भी हैं, इसलिए राहुल गांधी के साथ सूबे में 4 दिन वह पदयात्रा करेंगी। प्रियंका इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान में पैदल चल चुकी हैं, लेकिन अब उनके यूपी में भी भाई बहन एक साथ पदयात्रा कर सियासी माहौल बनाते हुए नजर आएंगे, इसलिए राहुल और प्रियंका के एक साथ पोस्टर लगाए गए हैं। यूपी के कुल 75 जिलों में से महज 3 जिलों से भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी, लेकिन इस दौरान राहुल राजनीतिक समीकरण साधते हुए नजर आएंगे। यूपी में यात्रा की शुरुआत गाजियाबाद जिले के लोनी विधानसभा से होगी, जो गाजियाबाद लोकसभा का हिस्सा है। राहुल गांधी 3 जनवरी को सभा को संबोधित करेंगे और अगले 2 दिन यूपी की राजनीति के लिहाज से सबसे अहम बागपत व शामली में बीतेंगे। जाटलैंड के नाम से पहचान रखने वाले पश्चिम यूपी में कांग्रेस की काफी लंबे समय से राजनीतिक पकड़ मजबूत नहीं हो रही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ।